रूपा तिर्की की मौत के बाद उसके माता पिता पूरी तरह से टूट गए हैं। एक जवान और होनहार बेटी को खोने का दुख रूपा के मम्मी पापा से ज़्यादा कौन समझ सकता है। अपने बेटे के इंसाफ के लिए वो लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, मगर इसके बदले रूपा के परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। दरअसल रूपा मामले में परिजनों का बयान लेने साहिबगंज पहुँचे SDPO राजेंद्र कुमार दुबे परिवार से बिना मिले ही लौट गए। आपको बताया चले कि रूपा तिर्की के परिजनों को बयान देने के लिए रातू थाना बुलाया गया, लेकिन रूपा तिर्की के पिता देवानंद उराव ने फ़ोन पर जवाब दिया कि सर मेरे घर पर आकर आप बयान ले लीजिए। रूपा के पिता देवानंद ने SDPO राजेंद्र कुमार दुबे से कहा कि परिवार में मेरे अलावा अन्य 3 महिलाओं का भी बयान दर्ज होना है, मगर रूपा की मौत के बाद घर की महिलाएँ घर से बाहर जाकर बयान देने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए परिवार के लोगों का बयान रातू के टेंडर बगीचा स्थित आवास में आकर दर्ज करा लीजिए। ये बात सुनते ही साहिबगंज के SDPO राजेंद्र कुमार दुबे ने घर पर आकर बयान लेने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि रातू थाना के चौकीदार संदीप के हाथों से रूपा तिर्की के माता पिता बहनों को बयान दर्ज कराने का नोटिस तक भिजवा दिया। अब के रूपा के पिता की समस्या सुनने के बाद SDPO राजेंद्र कुमार दुबे उनके घर पर आकर बयान नहीं ले सकते थे। अपनी राय ज़रूर दीजिए और देखते रहिए ITP न्यूज़।